हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक लिए हुए थे, भारत का इतिहास देख रहे थे। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आपकी पुस्तकें और उनके लेखक। आज बात करेंगे प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानी। याद रखिए, हम लोग इसे ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, लेकिन एक पॉइंट व्यू से इनके राजवंश पूछ लेता है या संस्थापक पूछता है, ठीक है, राजधानी। तो इसलिए हम लोग एक रिवीजन के पॉइंट व्यू से दोबारा इसे देख रहे हैं शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। और इसे इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आपका भारत का पूरा इतिहास कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। याद रखिए, जितने भी आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित, फिर चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, जो भी होगा, सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले रहेंगे, ठीक। तो हम लोगों ने इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद भारत का इतिहास पूरा देख चुके हैं। इसके बाद हमें वर्ल्ड हिस्ट्री देखनी, यानी कि विश्व का इतिहास। तो बात करते हैं राजवंश। ये आपके राजवंश हैं, ये उनके संस्थापक हो गए और राजधानियाँ, ठीक है। हर्यक वंश, इसका संस्थापक था आपका बिम्बिसार। हर्यक वंश, इसका संस्थापक था बिम्बिसार। और राजधानी क्या थी इसकी? राजगृह। क्या थी? राजगृह। शिशुनाग वंश, इसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग। राजधानी की क्या थी इसकी? वैशाली। तो इस तरह पूछता है क्वेश्चंस। क्या पूछेगा? शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन था? तो आप बता सकते हैं शिशुनाग। और पूछे अगर कि शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी, तो आपको याद रखना है वैशाली। फिर आता है आपका नंद वंश, इसके संस्थापक थे महापद्म नंद। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश, इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। सुंग वंश, इसका संस्थापक आपका पुष्यमित्र सुंग था, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कन्व वंश, इसका संस्थापक कौन था? वसुदेव, इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। सातवाहन, इसका संस्थापक था आपको सिमुक, और इसकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान। कुषाण वंश, इसकी संस्थापक था कुजुल कड़फीसिस, और जो इसका राजधानी थी पुरुषपुर। गुप्त वंश, इसका संस्थापक था श्रीगुप्त, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। हूण वंश, इसका संस्थापक था तोरमाड, इसकी राजधानी थी सियालकोट। वर्धन वंश, इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति, इसकी दो राजधानी थानेश्वर और कन्नौज, ठीक, एक ही है। सैन वंश, सैन वंश के संस्थापक था सामंत सैन, इसकी राजधानी थी लखनौती, ठीक है। परमार वंश, इसका संस्थापक उपेंद्र था, इसकी राजधानी थी धारा नगरी। चंदेल वंश, इसका संस्थापक था नन्नो, खजुराहो महोबा, इसकी राजधानी थी। गहड़वाल वंश, इसके संस्थापक थे चंददेव, इसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज। फिर आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, इसकी राजधानी थी जो आपकी कन्नौज। क्या थी? कन्नौज। फिर है आपका पल्लव वंश, पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह वर्मन चतुर्थ, इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। चालुक बादामी, इसके संस्थापक थे आपके जयचंद जयसिंह प्रथम, इसकी राजधानी थी वातापी। चालुक बेंगी, इसका संस्थापक था विष्णुवर्धन, इसकी जो राजधानी थी वो थी बेंगी। चालुक कल्याणी, इसका संस्थापक आपका विजयादित्य था, इसकी राजधानी थी मानकेत या कल्याण, ठीक। फिर आपका राष्ट्रकूट वंश, इसका संस्थापक था दंतीद्रोण, और जो इसकी राजधानी थी वो थी आपकी मानकेत। गुलाम वंश, इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी राजधानी थी दिल्ली। खिलजी वंश,
खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इसकी राजधानी दिल्ली। ठीक है, फिर आपका तुगलक वंश, इसकी राजधानी दिल्ली थी और इसके संस्थापक थे तुगलक वंश के ग्यासुद्दीन तुगलक। फिर आता है आपका सैयद वंश, खिजी कहाँ था इसका संस्थापक? इसकी राजधानी भी आपकी दिल्ली ही थी। कहाँ थी? दिल्ली थी। फिर आता है आपका लोधी वंश, लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, इसकी राजधानी थी दिल्ली आपकी। ठीक, चोल वंश, इसका संस्थापक था आपका विजयालय और इसकी राजधानी थी तंजौर। पांड वंश, तो पांड वंश, तो इसका संस्थापक था आपका नेडी एओन, एओन, इसकी राजधानी थी मदुरे। यादव वंश, इसके संस्थापक थे भिल्लम और जो इसकी राजधानी थी वो थी आपकी देवगिरी। अगला वंश था आपका होयसल वंश, इसका संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। इसका जो संस्थापक था विष्णुवर्धन और इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। फिर आता है आपका संगम वंश, संगम वंश की जो संस्थापक थे हरिहर बुक्का और इनकी राजधानी थी विजयनगर। सालो वंश, इसका संस्थापक था आपका नरसिंह, इसकी राजधानी आपकी विजयनगर थी। तुलो वंश, तुलो वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह और जो इसकी राजधानी थी वो थी विजयनगर। क्या थी? विजयनगर। आरवीडु वंश, इसका संस्थापक कौन था? तिरुमल और जो इसके राजधानी थी वो आपकी थी पिन्नु कोंडा। फिर आता है आपका बहमनी वंश, कौन सा? बहमनी वंश, तो बहमनी वंश की राजधानी थी गुलबर्गा बीदर और इसका संस्थापक था हसन गंगू। फिर आता है आपका कुतुब शाही वंश, इसकी राजधानी थी आपकी गोलकुंडा और इसका संस्थापक था कुली कुतुब शाही। फिर अगला वंश आपका आता है आदिल शाही, इसका संस्थापक था आदिल शाह और संस्थापक था बीजापुर। क्या थी इसकी राजधानी? बीजापुर। संस्थापक आपका आदिल शाह हो गए, राजधानी बीदर बीजापुर। फिर आता है आपका निजाम शाही, इसका जो संस्थापक था उसका नाम था मलिक अहमद, इसकी राजधानी थी अहमदनगर। इमाद शाही, तो इसका संस्थापक था इतह उल्ला इमाद शाह, इसकी जो राजधानी थी बरार थी। बरीद शाही, इसका जो संस्थापक था वो था अमीर अली बरीद, इसकी राजधानी थी बीदर। सोलंकी वंश, इसका संस्थापक था मूलराज और इसकी जो राजधानी थी वो थी अनहिल वाड़। फिर आता है आपका अगला वंश कलचूरी वंश, इसके संस्थापक थे कोकल, इसकी राजधानी थी आपकी त्रिपुरी। सरकी वंश, इसका संस्थापक था मलिक सरवर, इसकी जो राजधानी थी जौनपुर थी। फिर आता है आपका मुगल वंश, कौन सा? मुगल वंश, इसका संस्थापक था बाबर, इसका संस्थापक कौन था? बाबर, इसकी राजधानी दिल्ली और आगरा। ठीक, भोंसले वंश, भोंसले वंश का संस्थापक था शिवाजी और इनकी राजधानी थी रायगढ़। पाल वंश, इसका संस्थापक था आपका गोपाल, इसकी राजधानी थी मुंगेर। फिर आता है आपका चौहान वंश, जिसके संस्थापक थे वासुदेव वासुदेव और इसकी राजधानी थी अजमेर। फिर आपका आता है हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य, निजाम उल मुल्क इसके संस्थापक थे, इनकी राजधानी थी हैदराबाद। कारकोट वंश, तो इसकी जो संस्थापक थे वो थे दुर्लभ वर्धन और इसकी राजधानी थी कश्मीर। उत्पल वंश, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे अवंती वर्मन, कश्मीर इनकी राजधानी थी। लोहार वंश, संग्राम राज इसके संस्थापक थे और कश्मीर इसकी राजधानी थी। अब बात करते हैं कि जो प्रमुख आपके भारतीय शासक थे वंश थे उनकी उपाधि देख लेते हैं।
भारतीय शासक, वंश और उनकी उपाधि। तो ये आपके शासक हो गए, वंश हो गए, और जो उन्हें उपाधि थी उन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि इनसे कई बार आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे इल्तुतमिश 21 वंश का शासक था, आपको बता देना है गुलाब वंश। और जो इसे उपाधि मिली हुई थी वह थी नासिर उल मोमिन, नासिर उल मोमिन। फिर आपका जौनाखा कौन सा? जौना खान एक किस शासक वंश का था? तुगलक वंश का। इसे जो उपाधि मिली थी वो थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक उलगू खान। दारा शिकोह ये आपका मुगल वंश का था। इसे जो उपाधि मिली थी वो थी शाह इकबाल। क्या थी? शाह इकबाल। फिर है आपकी अकबर। अकबर भी आपका मुगल वंश का ही था। इसे उपाधि मिली हुई थी इस्लाम ए आदिल, इस्लाम ए आदिल। ठीक है। फिर है आपका हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आपका वर्धन वंश का शासक था। इसके जो उपाधि थी वो थी शिलादित्य। हाल ये हाल जो शासक था ये सातवाहन वंश का शासक था। इसे जो उपाधि मिली थी वो थी आपकी कवि वत्सल। फिर आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी ये आपका सातवाहन वंश का शासक था। इसे जो उपाधि थी वो थी क्षत्रिय दर्प और मान मर्दन। फिर आता है आपका कनिष्क, ये आपका कुषाण वंश का शासक था। इसे जो उपाधि थी वो थी आपकी देवपुत्र। राजराज ये आपका चोल वंश का शासक था। इसे आपकी उपाधि मिली हुई थी जयगोंड चोल मार्तंड। फिर है आपका राजेंद्र प्रथम। जो राजेंद्र प्रथम था तो ये आपका चोल वंश का शासक था। इसे जो उपाधि मिली थी वो थी आपकी गांगीकौंड चोल। फिर आता है आपका महमूद गजनवी, ये आपका गजनी वंश का शासक था। और इसे उपाधि थी यामीन उद्दौला और बुत सिकन। फिर आता है प्रलय वर्मा रेड्डी, ये आपका रेड्डी वंश का शासक था। इसे उपाधि थी धर्म प्रतिष्ठान और गुरु की। कृष्णदेव राय ये आपका तुलो वंश का शासक था। इसे जो उपाधि मिली थी वो है आपकी यवन राज स्थापनाचार्य आंध्रभोज संगीत साहित्य सम्रांगन सार्वभौम। फिर आपका जहांगीर, जहांगीर आपका मुगल वंश का शासक था। इसे उपाधि मिली हुई थी शेख सलीम की। इब्राहिम लोदी ये आपका लोदी वंश का शासक था। इब्राहिम साहिकी से उपाधि मिली हुई थी। मेहरुन्निसा ये आपका मुगल वंश की शासिका थी। नूरजहां इसे उपाधि मिली थी, जहांगीर की बेगम थी। औरंगजेब मुगल वंश का शासक था। इसकी जो उपाधि थी वो थी अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। फिर आपका पुलकेशिन द्वितीय, तो इसे जो शासक था किस वंश का शासक था? चालुक्य वातापी। इसे परमेश्वर की उपाधि मिली हुई थी। फिर आता है आपका महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश का शासक था। इसे उपाधि थी विचित्र चित्र। नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम भी आपका पल्लव वंश का ही शासक था। इसे जो उपाधि मिली थी महामल्ल की उपाधि। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का शासक था। जगतुंग की उपाधि मिली हुई थी। विक्रमादित्य चतुर्थ यह आपका चालुक्य कल्याणी वंश का शासक था। इसकी उपाधि थी त्रिभुवन मल्ल। विक्रमादित्य द्वितीय यह आपका चालुक्य बेंगी वंश का शासक था। इसे जो उपाधि थी नरेंद्र और मृगराज की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह इसे जो उपाधि इसका वंश था बहमनी वंश, और इसे सिकंदर ईशानी के नाम से जाना जाता है। इब्राहिम कुतुब शाही,
कुतुब शाही वंश का था ये, मलकी बरम इसे उपाधि मिली हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम वंश का था ये, लाख बख्श या फिर मलिक इसे उपाधि थी। शिवाजी ये आपके भोंसले वंश के शासक थे, छत्रपति के नाम से इन्हें जाना जाता है। बालाजी बाजीराव मराठों के पेशवा थे, नाना साहब के नाम से इन्हें जाना जाता है क्योंकि नाना साहब इन्हें उपाधि मिली हुई थी। शाहजहां मुगल वंश का शासक था, इसकी उपाधि थी अबुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन मोहम्मद साहब किरने सानी। ठीक है, फिर आता है आपका बाबर। बाबर मुगल वंश का शासक था, गाजी के नाम से उपाधि मिली थी थे गाजी की। हरिहर द्वितीय ये आपका संगम वंश का शासक था, राज परमेश्वर की इसे उपाधि मिली हुई थी। शेरशाह ये आपका सूर वंश का था, उसे हजरत ए आला की उपाधि मिली हुई थी। खारवेल ये आपका चैदी वंश का शासक था, महाराज की से उपाधि मिली हुई थी। बैरम खां ये अकबर का संरक्षक है और खा बाबा की उपाधि इसे मिली हुई थी। अली कुली बेग एक अकबर का सूबेदार था, शेरे अफगान अफगान के नाम से इसे जाना जाता है। बिंदुसार ये आपका मौर्य वंश का शासक था, अमित्यघात के नाम से या इसे उपाधि मिली गई थी। अशोक मौर्य वंश का शासक था, देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी इसे उपाधि मिली हुई थी। समुद्रगुप्त ये आपका गुप्त वंश का शासक था, कविराज पराक्रमांक भारतीय नेपोलियन की इसे उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त प्रथम ये भी आपका गुप्त वंश का ही था, इसे महाराजा धीराज की उपाधि मिली हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का ही था, विक्रमादित्य शक्रादित्य की उपाधि इसे मिली हुई थी। तो ये थे आपके कुछ वंश, उनकी उपाधियाँ ठीक है और शासक। तो यहाँ तक आपकी भारत की या भारत का पूरा इतिहास कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब तो हम आगे से बात करेंगे विश्व के इतिहास के बारे में। ठीक है, इतना पढ़ लीजिए काफ़ी है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने से आपका अच्छे से काम चल जाएगा। ठीक है।